हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए एयर फोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। दोस्तों इस पेपर में टोटल 30 प्रश्न होंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों यदि आप एयर फोर्स, नेवी, SR, EE इन सब की तैयारी कर रहे होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेटेस्ट लाते रहते हैं आपके लिए। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है। दोस्तों पहला प्रश्न है ए रेशियो बी है 6:7, अब बी रेशियो 7 है 5:8, अब सी रेशियो डी है 1:2, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखिए इसको आप हल करने से पहले भी एक बार ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं कि आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए मैं थोड़ा सा दो तीन तरीके बता सकता हूँ इस सवाल हल करने के। तो एक तरीका देखिए, ऑप्शन आप किस तरीके देखेंगे, तो दोस्तों देखिए बी रेशियो सी, ठीक है, तो 5:8 दिया गया है, यानी कि जो बी की वैल्यू होगी 5 के आसपास होगी, क्योंकि 5 का रेशियो 5 होता है, तो यानी कि ये ऑप्शन होंगे पहला या तीसरा में, क्योंकि बी है 42 जो कि 5 से कटता नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। अब देखिए 8 है 5:8, ठीक है, तो 5:8 यानी कि 5×7=35, 7 आया 7×56, यानी कि ऑप्शन 3 राइट होगा। मैंने ऐसे ही बता दिया, लेकिन दोस्तों आपको हल करिए पूरा बकायदा दिखाता हूँ अभी कैसे होगा। देखिए ए रेशियो बी लिखा है 6:7, अब बी रेशियो सी लिखा है 5:8, अब ये लिखा है 1:2, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप ऊपर क्या करेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, इसमें 5 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया, 5×6=30, 5×7=35, अब इसमें क्या करेंगे, 7 से गुणा कर लेंगे दूसरे वाले में, तो 7×35 तो हो ही गया है, 7×56 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1:2 है, यानी कि इधर सी की वैल्यू 2 आनी चाहिए, यानी कि 56 इधर हो गया, 56 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इधर दोस्तों देखिए 56 आ चुका है, तो 56×112 हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके हल कर सकते हैं, 30, 35, 56, 112 ऑप्शन 3 में है। तो आप दोस्तों ऑप्शन देख के भी हल कर सकते हैं, यदि ऑप्शन देख के नहीं हल कर पा रहे हो तो आप इस तरीके हल कर ले जैसे मैंने बताया अभी आपको। अगला प्रश्न, लगातार 6 अवाह संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए लगातार 6 अवाह संख्या, पहली दोस्तों अवाह संख्या क्या होती है, 2 होती है, याद रखिएगा, पहली अवाह संख्या 2 होती है, अगली होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है दोस्तों 9 नहीं होती, याद रखिए, क्योंकि 3 से डिविजिबल है 9, फिर होती है 11, फिर होती है 13। दोस्तों देखिए इन सबको जोड़ने के बाद हम लोग को औसत पूछा गया, तो 6 संख्या है 6, तो देखिए 7×10=10, 17×17=30, 41/6, ठीक है, 41/6, तो दोस्तों देखिए 6 यानी कि 6 नीचे आना चाहिए, तो ये देखते हैं 6×36=5, 41/6, यानी कि ऑप्शन 2 राइट हो गया। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 है, उस पर 2 क्रमिक बट्टे 15 तथा 20 दिए जाता है, तो उसका विक्रम मूल्य क्या होगा। दोस्तों देखिए इस तरीके के प्रश्न हल करने में भी 2-3 ऑप्शन है कि आप 2-3 तरीके से हल कर सकते हैं, तो मेरे पहला तरीके बताता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों देखिए पहला 15% है, तो 15+20 का पहले हम लोग टोटल बटा समतुल्य बटा निकाल लेते हैं, तो 20×15/100 0 गया, 15×30 तो 0 जाएगा, यानी 3 बचेगा इधर, ये हो गया 35-3 यानी 32%, ठीक है। अब दोस्तों विक्रम मूल्य निकालना है, तो 100 टोटल होता है, यानी कि हम लोग को 32% छूट मिल गई, तो कितना हो गया 68%, यानी कि 120 का 68% में बेचेगा ये, ठीक है। 12×96=6, ऐसा लगा 9, 12×72=81.6, यानी कि दोस्तों आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एक तरीका तो ये हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक परीक्षा में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 200 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी दोस्तों 60% उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 100 में 60 घटा लेंगे तो 40% अनुत्तीर्ण हो गए दोस्तों, यानी 40% किसी चीज़ का है 200, ठीक है, किसी चीज़ का 40% कितना है, एक्स मान लेते हैं हम लोग 200 है, तो 200 रखते हैं इधर, 4×5=20, यानी दोस्तों 500 हो जाएंगे टोटल लोग, ठीक है। अब दोस्तों 500 में पूछा गया उत्तीर्ण कितने में, और उत्तीर्ण दिखा रहा है हम लोग को 60%, तो 500×60% कितना होगा, 5×30 यानी 300, ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी लंबा प्रश्न है, तो जैसा कि आप देख सकते होंगे राम अपने घर से पूरब दिशा में 60 मीटर जाता है, तो दोस्तों देखिए हम लोग पहले पूरब दिशा बना लेते हैं, पूरब ईस्ट साइड होता है, ठीक है, ईस्ट इस साइड होता है, नॉर्थ
इस साइड वेस्ट, इस साइड साउथ नीचे। देखिए पूरब दिशा में 60 मीटर जाता है, तो 60 मीटर मान लिया इधर होगा, 60 मीटर लिख लेते हैं दोस्तों छोटा 60। अब वहाँ जाके दाहिने और 40 मीटर जाता है, तो दोस्तों दायां की साइड होगा, इस साइड होगा नीचे, ठीक है। अब दोस्तों इसका दायां नीचे होगा 40 मीटर। अब दोस्तों देखिए वहाँ से बायां, तो देखिए बायां इस साइड होगा ना, अब तो बायां अब इस साइड जाता है 120 मीटर, ठीक है। अब वहाँ से दायां बायां, बायां मुड़ के 40 मीटर जाता है, 40 गया 40, दोस्तों देखिए 40 इसके बराबर आएगा यहाँ तक, क्योंकि 40 ये भी था 40 ये भी, ठीक है। अब वहाँ से दायां दायां इस साइड होगा, अब दायां जाता है 60 मीटर। तो दोस्तों देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 60, ये 120 थी, ये 60 कितनी हो गई, 60 120 180 180 में 60 240, ठीक है। तो वह प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है, तो 180 प्लस 60 240 मीटर दूर है, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है दोस्तों इनमें से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होगा, तो NaOH हो जाएगा कास्टिक सोडा। अब दोस्तों देखिए विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ENIAC, ठीक है। अगला प्रश्न है दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है, तो दो त्रिज्याएं दी गई, तो हम लोग 4πr² बटे 4π, देखिए 4πr² रख लेते हैं, इसका मान 4πr² रख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों दिया गया 3.4 है त्रिज्या, ठीक है, तो 4π से 4π दोस्तों कट जाएगा, क्योंकि चेंजमेंट नहीं होगा इनमें। अब दोस्तों देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 9 और 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। अब दोस्तों देखिए एक सवाल थोड़ा सा कट गया है, तो संभव त्रिभुज की एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो इसका पूछा गया है क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भुजा स्क्वायर रूट 3/4 होता है, तो भुजा स्क्वायर यानी 4×4 √3/4, 4 से 4 गया 4×3 12, सॉरी दोस्तों 4√3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है 4√3 cm². और दोस्तों देखिए रश्मि रथी किसकी है, पुस्तक के लेखक कौन है, रामदास सिंह दिनकर। अब दोस्तों देखिए मैं 2-3 पुस्तकें बता देता हूँ, रत्नावली किसकी पुस्तक है, हर्षवर्धन की, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, हर्षवर्धन की है रत्नावली। अब अष्टाध्याय किसकी पुस्तक है, पाणिनि की है, ठीक है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। अब देखते हैं दोस्तों इस तरह के प्रश्न ये आया है, देखिए 8 में 7 एक कम हो रहा फिर 2 कम हुआ, ठीक है। अब 6 में 5 एक कम हो रहा फिर 2 कम हुआ, अब देखिए 28 में 24 देखिए एक कम फिर 2 गुना हो रहा इधर से, अब देखिए 28 में 24 4 कम है, 4 फिर जीता यानी कि 8 होगा, यानी कि हो जाएगा 16। इस तरीके भी कर सकते हैं, और इसका एक और दिखाते हैं अभी आपको किस तरीके होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 8, 6, 28 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, -6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ जाएगा ये 14 में 6 गया 8, 5 में 3 गया 28, ठीक है। अब देखते हैं इस तरीके या 7 का 49 नीचे तरीके कर रहे हैं 5, 25 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 24। तो दोस्तों इस तरीके भी हल कर सकते हैं नीचे तरीके भी इस तरीके भी। अब दोस्तों देखिए 5 का 25 3 का 9 तो आ जाएगा 16। तो दोस्तों दोनों तरीके हल करने पर हमारा 16 आंसर आ रहा, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए ये हो रहा 5 से 9 हो रहा, कितने की बढ़ोतरी हो रही 4 की। अब 4 से 18 में 9 हो रहा है, 18 से 24 34 में कितना हो रहा है तो 16 हो रहा, ठीक है। अब 34 से 59 में 25 हो रहा है दोस्तों, आप गौर से देखिए तो ये 2 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर ये 4 का ये 5 का अगला होगा 6 का, यानी कि 59 में 36 जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 6×6 2 59 दोस्तों ये 6×9 15 के 5 ऐसा लगाया 5×3 8 1 9 यानी कि 95 वाला आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो आप इस तरीके भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है ये, तो इस तरीके आप देखिए 2 स्टेशनों ए और बी के बीच ट्रेनें चलती हैं, मान लिया सॉरी दोस्तों ए से बी के बीच ट्रेनें चलती हैं, ए इधर हो गया बी इधर हो गया, ठीक है। देखिए ए से बी की वाली 8 बजे वाली 8 बजे चलती है, और बी से ए वाली 9 बजे चलती है,
ट्रेन 9 बजे चला, ए से चलने वाली ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर है, 36 और 20 से ए चलने वाली 54 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि दोनों ट्रेनें 2 बजे मिलती हैं, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए 2 बजे मिलती है यानी कि 2 बजे तक दोस्तों ये कितने घंटा चली है टोटल, ये चलिए 8 से 4 12 यानी 6 घंटा दोस्तों ये चलिए। तो 6 घंटे में दोस्तों कितनी दूरी तय कर लेगी ये, तो 6 × 36 = 3 × 36 = 18 × 19 = 21 दोस्तों 16 किलोमीटर ये तय कर लेगी, ठीक है। अब ये 20 ए वाले कितने 9 बजे चली थी, तो 9 बजे से 2 बजे तक कितनी घंटा हो गया, टोटल हो गया 5 घंटा, ठीक है, 9 × 3 = 12 = 2 = 5। तो ये 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5 × 20 = 5 × 25 = 26 × 27 270 किलोमीटर ये तय कर रही है, 216 किलोमीटर ये। तो दोस्तों देखिए टोटल डिस्टेंस इनके बीच की चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो ए ने चली 216 किलोमीटर, बी ने चला 270 किलोमीटर और दोनों 2 बजे मिल रही हैं, तो यानी दोस्तों देखिए टोटल दूरी कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों इनकी दोनों की ज्ञात कर लें कि इन्होंने कितनी देर में चला है, ठीक है, 216 + 276 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 216 + 270, तो देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 86 किलोमीटर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये सवाल काफ़ी सिंपल होते हैं, अगले वाले पंक्ति में रमेश बाएं से 20वें, दाएं से 24वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल कितने हैं। दोस्तों देखिए एक तो मैं तो सीधा बता सकता हूँ अभी आपको आंसर कितना होगा, लेकिन देखिए देखिए यदि टोटल है, मान लीजिए टोटल 20 बच्चे हैं किसी क्लास में, ठीक है, अब ये 12वें नंबर पर यहाँ से है, तो यहाँ से कितने नंबर पर होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ से चलने पे 12वें नंबर पे, तो यहाँ से चलने पे होगा 9वें नंबर पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर कैसे निकालेंगे, तो 12 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है, तो 21 में एक घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हम लोग देखने में भी वही आ रहा है, यहाँ से भी देखने में वही आ रहा है, तो एक घटाना पड़ता है हम लोग को जोड़ने के बाद। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 20वें नंबर पर दाएँ से है, 24वें वहाँ से, यहाँ से 20वां है, यहाँ से कितना 24वां, तो 24 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 44 हो जाएगा, 44 में एक घटा देंगे तो आ जाएगा 43। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आँख का संबंध देखने से है तो किडनी का किससे है। तो दोस्तों देखिए आँख से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, अब किडनी से दोस्तों क्या है, रक्त का फिल्टर होता है, ठीक है, तो रक्त का यानी कि रक्त शोधन से हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इनमें सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, दोस्तों इन्फोसिस इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की, IBM वेपाल दोस्तों इसमें सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये दोस्तों हिंडालको ये सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है ये, दोस्तों इस सवाल को करने से पहले आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF एक वृत्ताकार टेबल पे हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यदि 6 व्यक्ति दिए गए हैं तो साम एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, अब दोस्तों कितने 4 बचे हैं, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरीके आप बना लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा, सी जो है एफ और डी के बीच में है, तो दोस्तों देखिए सी ओ को आप कहीं बना सकते हैं, सी जो है यहाँ पे होगा लेकिन एफ़ और डी के बीच में, एफ इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है, एफ़ इधर होगा या फिर इधर होगा, ये नहीं लिखा किधर होगा, लेकिन अब दोस्तों देखिए ई जो है बी और ए के बीच में है, ई है बी और ए के बीच में है, तो यानी बी इधर होगा या फिर ए इधर होगा, लेकिन ई तो इधर ही होगा, बी इधर होगा या फिर इधर होगा। अब दोस्तों देखिए लिखा है यदि ए जो है एफ के ठीक दाएँ हैं, एफ के ठीक दाएँ, एफ का दाएँ ये हो जाएगा ए, तो आप इधर मान लीजिए या फिर इधर मान लीजिए, तो एफ के दाया ये हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि इधर हो जाएगा एफ हो जाएगा, इधर एफ हो जाएगा तो डी नहीं होगा, ठीक दोस्तों। और दोस्तों देखिए एफ के यानी कि बी नहीं होगा यहाँ पे, यदि ठीक दाया है तो यहाँ एफ हो गया तो यहाँ डी होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ डी होगा, अब यहाँ ए हो गया तो यहाँ बी होगा, ठीक है, यहाँ बी होगा, तो यानी दोस्तों देखिए अब पूछा गया है डी किन 2 व्यक्तियों के बीच में है, तो दोस्तों देखिए डी जो है यहाँ पे है, तो डी किन के बीच में है, सी और बी के बीच में, बी और सी आंसर होना चाहिए, तो दोस्तों देखिए बी और सी आंसर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा सवाल है, तो दोस्तों देखिए आप इन प्रश्नों को हल करने से पहले क्या लिख लीजिए, दोस्तों इनको आप सिंपल में लिख लीजिए 7, 5, 40, 8, 18, दोस्तों आप इनके बीच का भी चिन्ह मत बनाइए, ठीक है, प्लस का अर्थ गुणा दिया गया तो प्लस यहाँ था, हम लोग यहाँ गुणा कर लेंगे, ठीक है, अब गुणा का अर्थ है माइनस, तो गुणा यहाँ था माइनस कर लेंगे, अब भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग का अर्थ प्लस इधर कर लेंगे, अब माइनस का अर्थ है भाग है तो भाग इधर कर लेंगे, तो देखिए 8 जब नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इधर, ठीक है, अब 5 को गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी क्या हो जाएगा 7 - 25 + 28,
तो 28 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा 35, 35 में 25 गया तो कितना बचा 10 बचा, ठीक है ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। अब देखिए इज कैश टॉप ही इज प्रेजेंट है तो पिन टॉप जू राम इज हैप्पी। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, टॉप यहाँ भी आया, टॉप यहाँ भी आया, यानी कि दोस्तों इन दोनों में जो कॉमन होगा इज, यानी कि टॉप का अर्थ हो गया इज। तो पहले टॉप का लिख लेते हैं इज। अब लिखा है रग इज, रग टू इज, यू आर प्रेजेंट। तो देखिए इज इधर भी है, इधर भी है, तो इज यहाँ दोनों कॉमन क्या, प्रेजेंट प्रेजेंट, यानी कि इज का हो गया प्रेजेंट। अब देखिए ही का पूछा गया है तो दोस्तों देखिए ही जो है किसका होगा, कैश का होगा, क्योंकि टॉप का तो हम लोग को पहले ही निकाल लिया इज है, और इसका इज का है प्रेजेंट है, तो यानी कि टॉप का हो जाएगा कैश हो जाएगा, कैश, ठीक है सी एस। अब दोस्तों देखिए अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा सवाल है कि इनमें से कितने ऐसे 5 है जिनके ठीक पहले 8 है लेकिन 4 नहीं है, यानी कि 4 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 85 किधर है, 85 देख लीजिए, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर 85 है, लेकिन दोस्तों 4 बाद में है, यानी 4 बाद में नहीं होना चाहिए, तो यानी दोस्तों एक बार भी नहीं हो गया ऑप्शन, ठीक है आंसर। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सवाल है तो दोस्तों देखते हैं हल करते हैं इसको। देखिए किसी कुट भाषा में प्लस को कहा जाए भाग, पहले हम लोग बोर्ड मस्ट तरीके से करते हैं, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं 60 तीर, दोस्तों देखिए, लेकिन दोस्तों देखिए हम लोग इसमें अभी चिन्ह नहीं लगाएं कि कौन सा ये प्लस माइनस क्या है, सीधे सिंपल लिख लेते हैं, इस सवाल करने की बेस्ट तरीका होता है। तो देखिए क्या करते हैं, प्लस को लिखते हैं भाग, तो प्लस कहाँ पे, यहाँ पे भाग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। माइनस को कहते हैं गुणा, तो माइनस दोस्तों इधर है, तो इधर गुणा हो जाएगा, और इधर भी गुणा हो जाएगा, इधर भी गुणा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या लिखा, गुणा कहते हैं माइनस, गुणा किधर है, इधर हो गया माइनस, ठीक है। अब कहते हैं भाग को क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं, भाग को प्लस कहते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 × 12 हो गया, ठीक है, 3 नीचे जाएगा तो 4 × 7 = 28 हो गया, तो यहाँ 28 हो गया माइनस का, सिंपल सा दोस्तों। अब देखिए 3 × 12 12 × 36 प्लस का 60 हो गया, 60 में गया 28 तो 32 प्लस 36 कितना हो गया, तो 32 प्लस 36 कितना हो गया, आ गया ना 33668। तो दोस्तों देखिए इनमें से जो है ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तो आप ऑप्शन में मत जाइएगा, ठीक है, ये ऑप्शन गलत दिए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों 5 को लिखा गया 42 और 9 को क्या लिखेंगे। दोस्तों देखिए 5 को लिखा गया FIVE को लिखा, दोस्तों देखिए कैसे लिखा गया है, तो देखिए ऐप का दोस्तों देखिए आपको ABCD वाला कोड याद होना चाहिए कि A को 1 लिखते हैं, B को 2 लिखते हैं, C को 3 लिखते हैं, G को 7 लिखते हैं, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये याद रख कर लीजिएगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों देखिए ऐप को क्या लिखते हैं हम लोग, ऐप को लिखते हैं 6, ठीक है। आई को क्या लिखते हैं, आई को लिखते हैं 9, वी को क्या लिखते हैं, वी को लिखते हैं 22 और ई को क्या लिखते हैं 5। तो दोस्तों इनको जोड़ने पर क्या आता है, तो कि 22 में ना 31 में 6 हो गया, 37 में 5 42, यानी कि दोस्तों इस तरीके लिखा गया, इनको 42 लिखा गया। अब दोस्तों 9 को लिखते हैं हम लोग इसी तरीके। अब दोस्तों देखिए एन को क्या लिखते हैं, एन को लिखते हैं 14, ठीक है। आई को दोस्तों क्या लिखते हैं, आई को लिखते हैं 9, एन को दोस्तों 14, ई को 5। तो दोस्तों देखिए 14 28 9 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 28 हो गया, 37 में 5 जोड़ेंगे 42, यानी कि दोस्तों इसका आंसर भी होगा 42, ऑप्शन नंबर पहला। अब दोस्तों देखिए लिखा है 40 साइड से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्न को दोस्तों हल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों देखिए आप पीछे देखेंगे, ठीक है, पीछे देखने में दोस्तों आपको बहुत थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन इनके जो होते हैं DSE होते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों देखिए FODIT दोस्तों दिया गया, FECIL दोस्तों L दोस्तों देखिए नहीं दिया गया, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 3। यदि दोस्तों देखिए आप पहले देखते थे तो CIT दिया गया, CITOD दोस्तों देखिए, इसलिए आप पीछे देखेंगे तो आपको जल्दी आंसर आ जाएगा, तो आप इस तरीके देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए किडनी हाथ कान हृदय, अब दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए किडनी कितनी होती हैं, मानव शरीर में 2 होती हैं, हाथ भी 2 होते हैं, कान भी 2 होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका D, ठीक है। ऑरेंज बुक दोस्तों कहाँ की है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है, यानी कि ऑरेंज बुक कहाँ की, किस देश की सरकार का अधिकृत प्रकाशन या रिपोर्ट है, नीदरलैंड की,
अब दोस्तों अगला प्रश्न है, डियर को लिखते हैं 73514, टी को 7, टी एच को 3, ई को 5, आई को 1, आर को 4। दोस्तों देखिए आर को 4 लिखते हैं तो यानी 4 से शुरुआत होगी पहला या दूसरा। आई को क्या लिखते हैं, आई को लिखते हैं 1 लिखते हैं तो यानी कि ये या फिर ये, ठीक है। एन को क्या लिखते हैं, एन को दोस्तों लिखते हैं 8 लिखते हैं, ठीक है। इधर देखिए एन को 8 लिखा है तो यानी कि 418 यानी तो दोस्तों दूसरा आंसर राइट होना चाहिए। अगला देख लेते हैं आपके, एस को लिखते हैं 6, सही है। ई को लिखते हैं दोस्तों क्या लिखते हैं, ई को हम लोग लिखते हैं 5 लिखते हैं, सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों काफ़ी सरल सवाल है, 11 जुलाई, ठीक है दोस्तों। अगले देखते हैं तो दोस्तों देखिए ये जो था इस तरीके था, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो गया ये 49, अब दोस्तों ये इस तरीके दोस्तों देखिए, अब जो अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसा हो गया ना, तो यानी दोस्तों 90 एंगल नीचे झुक गया है, ठीक है। अभी 90 एंगल नीचे झुक गया, लेकिन दोस्तों देखिए अब अगला क्या हुआ, ये हो गया 45 एंगल झुका है नीचे, फिर पहले दूसरे में 90 एंगल, दूसरे से 45, फिर 90 होना चाहिए दोस्तों, यानी कि बिल्कुल सीधे सिंपल, तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 है और 6 साल बाद 5:6। दोस्तों ऐसे सवाल बहुत सरल होते हैं जिसमें अगर अनुपात सेम रेशियो में बढ़ रहा है, ठीक है, एक अनुपात एक बढ़ रहा है दोनों में, तो दोस्तों यानी कि एक जो होगा 6 के बराबर होगा, तो 4 किसकी पूछेगा, एक पूछेगा तो 6×4 कर देंगे यानी 24। अगर बी की पूछ जाती है तो 6×5=30। सिंपल दोस्तों इस तरीके हम कर सकते हैं। यदि आप अगर किताबी लैंग्वेज में जाते हैं तो काफ़ी लंबा समझाया गया होगा, जैसे देखिए मैं समझाता हूँ किताबी लैंग्वेज आपको, तो 4x+6/5x+6=5:6। अब इसको दोस्तों हल किया गया होगा, जैसे मैं हल करके दिखा देता हूँ अभी आपको, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऐसे भी आप कर सकते हैं यदि आपको वो ऑप्शन रख के हल करने पर ना आ रहा हो तो। दोस्तों देखिए अगले देखते हैं 6×24x+6×36=5×5=25+5×6=30, ठीक है। अब देखिए 25x था इधर, देखिए 25 में 24 जाएगा तो 1 बचेगा इधर, एक्स बराबर इधर 30 जाएगा तो 6, यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई 6 हो गई। हम लोग को ए की वैल्यू क्या थी, 4x थी, तो यानी 4×6=24 हो गया। अब 5×6 करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है, यानी 24 हो जाएगा हम लोग का ए की वैल्यू। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। एएफएस नेवी से रिलेटेड संबंधित किसी भी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, आपको वहाँ से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।